केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा गोद ली हुई पंचायत डारला भल्लेड में हेलीपैड बनाने का कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। विभाग ने हेलीपैड निर्माण के लिए आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि हेलीपैड निर्माण हेतु बजट की पहली 2 करोड़ की किस्त विभाग के पास पहुंच चुकी है। वे आने वाले दिनों में जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद इसके निर्माण कार्य को शुरू करवा दिया जाएगा। बता दें कि हेलीपैड निर्माण के लिए करीब 5 करोड़ की राशि खर्च होनी है। निर्माण हेतु डिपॉजिट मनी 2 करोड़ रुपए विभाग के पास पहुंच गया है, जिसके बाद विभाग ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर दी है। सप्ताह भर के भीतर टेंडर प्रक्रिया ओपन होगी और संबंधित ठेकेदार को निर्माण करने के लिए मंजूरी प्रदान की जाएगी। डाडला ब्लेड की पंचायत प्रधान रेखा देवी, उप प्रधान जगन कटोच ने बताया कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के प्रयासों से उनकी गोद ली हुई पंचायत आज बुलंदियों को छू रही है। यहां पर्यटन एवं रोजगार की दृष्टि से लगातार वृद्धि हुई है। अब यहां पर भव्य हेलीपैड का निर्माण होगा, इसके लिए केंद्रीय मंत्री का वे आभार जताते हैं। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के बीच में और बड़ी खुशी की बात है, और उसमें भी डारला पंचायत में जो कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने इस पंचायत को गोद लिया हुआ है और यहां पे हेलीपैड बनने जा रहा है, जिसके लिए पैसे का प्रावधान जो है वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने विभाग से करवा दिया है, जिसमें 4.67 करोड़ रुपया इसको बनाने में लगेगा, जिसकी पहली किस्त जो है 2 करोड़ रुपए की यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे मेरे साथ डारला पंचायत के प्रधान जगन कटोच जी और हमारे मीडिया के प्रभारी विनोद ठाकुर जी मेरे साथ हैं, और ये सब और पूरी पंचायत और पूरा विधानसभा क्षेत्र अनुराग ठाकुर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने डारला पंचायत के बीच में और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के बीच में पहला हेलीपैड जो है यहाँ पे बनाया है। इसके लिए भी हम बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। सुजानपुर से सरिता ठाकुर की रिपोर्ट। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।